चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे अगेन वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज द स्लैब एंड द न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास। ओके, चलो फटाफट से स्लैब डिजाइन एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी। स्लैब मैंने फटाफट से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। स्लैब आपको जैसा कि बताया, स्लैब्स आर ऑफ वेरियस टाइप, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर एंड और कौन सा स्लैब हो सकता है, दैट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब स्लैब में भी दो टाइप के हैं, वन वे और टू वे स्लैब मैंने बता रखा था। एल वाई बाई एल एक्स अगर ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन टू होगा तो क्या होगा, वन वे स्लैब होगा, लेस देन होगा तो हमारा दैट इज टू वे स्लैब, ठीक है। चलो, वन वे स्लैब इज इफ द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन द टू अपोजिट एजेस, देन इट इज वन वे स्लैब एंड देन वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ द एल एक्स एंड एल वाई, ठीक है। उसके जैसे कि दोनों साइड से दैट इज सपोर्टेड, दैट इज वन वे स्लैब, है ना, ठीक है। एल वाई बाई एल एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी है तो इट इज द केस ऑफ वन वे स्लैब। एल वाई एल एक्स पता है, लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन। फटाफट से न्यूमेरिकल पे आते हैं ना, इस पर ज्यादा टाइम नहीं देते। ये मैंने बता रखा था क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा, है ना। वेन द गिवन स्लैब इज सपोर्टेड ऑन द ऑल द फोर एजेस और एल वाई बाई एल एक्स इज ग्रेटर देन टू, देन इट इज वन वे स्लैब, ठीक है। ये दो चीज मैंने बता रखी थी, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट इज टू वे स्लैब, व्हेन द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन ऑल द फोर एजेस, देन इट इज नोन एज टू वे स्लैब। मतलब चारों साइड वो हमारा क्या होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए, देन इट इज टू वे स्लैब, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। कमिंग टू द न्यूमेरिकल, सीधा आ जाऊं मैं। अब स्लैब को डिफाइन करना, स्लैब आर द प्लेट एलिमेंट्स हैविंग डेप्थ मच स्मॉलर देन इट्स अदर two dimension so that the slab is in 2D element. These are designed same as beam with unit width. ये बता रखा था मैंने, unit width के लिए हमेशा slab design करना है, ठीक है। जहां रुकना हो ना वहां रोक देना मेरे को, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। Shear reinforcement थोड़ा बहुत बता दिया, tau v is less than tau kc, ठीक है। Distribution bars क्या थे, ये सारी चीजें हो गई हैं। Coming to the सीधा numerical पे आऊँ मैं। ये सारे steps थे, spacing कितनी होनी चाहिए, मेन रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, अब देखो स्लैब में मैंने बताया था शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता क्योंकि ऑलवेज हमारी जो स्लैब होती है दैट इज सेफ इन शियर रेनफोर्समेंट। फिर भी हम वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं, टाउ वी इज लेस देन के टाउ सी, ठीक है। शियर रेनफोर्समेंट से ही समझाना था इसलिए थोड़ा सा शियर रेनफोर्समेंट हम लोग बता देते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल थिकनेस थी, इसका कोई वो नहीं। अब आते हैं डिजाइन स्लैब पे, ठीक है। डिजाइन स्टेप्स क्या थे, सबसे पहला मैंने बताया था, सबसे पहले आप एज्यूम करोगे डी बाई डी का रेशियो, ठीक है। दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द स्लैब। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैंटिलीवर करना है तो एल बाई डी यू विल टेक 7, इफ इट इज सिंपली सपोर्टेड एल बाई डी इज 20, इफ इट इज कंटिन्यूअस एल बाई डी इज 26, क्लियर। फिर आप लोड कैलकुलेशन करते हो, लाइव लोड और डेड लोड। ये आपको पता है लाइव लोड क्या होता है, अगर दिया हुआ है तो लाइव लोड आप ले लोगे और डेड लोड निकाल ले तो बी इंटू डी इंटू 25। यहाँ पे फटाफट से मुझे कौन बताएगा व्हाट इज 25? डेंसिटी ऑफ, ये 25 कहाँ से आया? आवाज नहीं आ रही मुझे, साथ में हो नहीं हो? Density of RCC. Density of? RCC. RCC. Density of concrete गलत है. Density of concrete is 24. पर RCC. Oh, RCC. हाँ, very good. Density of RCC. 25 की unit क्या है? Unit of? हाँ, फिर से बोलो. जल्दी, इतना टाइम नहीं है। द यूनिट इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इसी को अगर मैं केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। बताया था जो मैंने कोड दिखाया था वहां पे हमें कंक्रीट का दिया होता 2400 इन केजी पर सेंटीमीटर क्यूब करके या सेंटीमीटर स्क्वायर करके, तो वो अलग वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब होता, हाँ, पर मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा शायद से, देख लेना केजी पर मीटर था या केजी सेंटीमीटर था, ठीक है। यहाँ पे 25 जो डेंसिटी दी है दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, क्लियर क्लियर है, आगे बढ़ूं?
सेकेंड स्टेप इज लाइव लोड, डेड लोड, टोटल लोड निकालोगे, देन यू विल हैव फैक्टर लोड. ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं तो फैक्टर लोड इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाई द योर टोटल लोड. नेक्स्ट इज इफेक्टिव लेंथ. ठीक है, दो तरीके की इफेक्टिव लेंथ होगी, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन, एलएक्स और एलवाई. ठीक है, तो एलएक्स सिंपली सपोर्टेड के लिए, कैंटिलीवर के लिए, कंटिन्यूस के लिए, सबके लिए ये अलग अलग वैल्यू होगी, जो कि बताई थी कि अगर इफ इट इज सिंपली सपोर्टेड तो एलएक्स प्लस डी इफेक्टिव डेप्थ, और एलएक्स प्लस हमारे पास क्या है जो सपोर्ट पे जो वो है दैट इज डब्ल्यू वन बाई टू प्लस डब्ल्यू टू बाई टू. ठीक है, अलग अलग सपोर्ट पे, तो विच एवर इज लेस, दोनों में से जो लेस होगा वी विल टेक फ्रॉम दिस. एल इफेक्ट वो वाई इफेक्टिव भी इसी तरह होगा, एल वाई प्लस डब्ल्यू वन बाई टू डब्ल्यू टू बाई टू एल वाई बाई डी, दोनों का विच एवर इज लेस. ठीक है, अब हम निकालते हैं एल इफेक्टिव बाई एल सॉरी एल वाई इफेक्टिव बाई एल एक्स इफेक्टिव इज ग्रेटर देन टू, देन इट इज वन वे स्लैब, अगर नहीं होता तो इट विल बी टू वे स्लैब. ठीक है, नाउ कमिंग टू द मोमेंट कैलकुलेशन, यहाँ तक लोड सब कुछ बीम की तरह है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट एंड फाइंड आउट द मोमेंट बाई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट. ठीक है, तो एल इफेक्टिव यहाँ पे रखना है तो यू विल गेट द मोमेंट. ठीक है, यू विल गेट द अल्टीमेट. हाँ, क्या बोलो हर्षिता, क्लियर है, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है बस. हाँ, फिर से कुछ बोलो, अगर कुछ हो ना तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, मतलब व्हाट्सएप पे. ठीक है, मैं देख लूंगा. ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू, कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, हमने बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ, फिर से बोलो. अब व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो, मेरे को यहाँ का चैट नहीं दिख रहा. वॉइस ब्रेक हो रही है, सब कुछ ठीक है? ठीक है, मोमेंट कैलकुलेशन हो गया. मोमेंट कैलकुलेशन के बाद वी विल गेट द इफेक्टिव डेप्थ. कैलकुलेशन फॉर डी निकालेंगे. दिस इज डी रिक्वायर्ड. डी रिक्वायर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए जो हमने एज्यूम किया था. ठीक है, सॉरी यहां से डी रिक्वायर्ड निकालो. डी रिक्वायर्ड जो आएगा, जो हमने एज्यूम किया है ना, डी एज्यूम ऊपर हमने डी माना था. ठीक है, जो हमने एल बाई डी से रेशियो से निकाला था, तो डी एज्यूम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी रिक्वायर्ड. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाफट. किसी को कोई डाउट? सर वो आर यू क्या है सर, आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज सर, वो पूछ. मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है. अब आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है अंकिता, हर्षिता? हाँ सर, आपकी तो आ रही है. हाँ ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है. बेंडिंग मोमेंट तक हो गया. डी एज्यूम्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर ये है तो इट इज ओके, नहीं है तो फिर से यू हैव टू रीडिजाइन. नाउ कमिंग टू द चेक ऑफ चेक फॉर शियर. ठीक है, यहीं से डाउट आ रहा था हर्षिता को. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द चेक ऑफ चेक फॉर शियर. नाउ चेक फॉर शियर के लिए हम, वैसे तो मैंने बता दिया स्लैब में हमारा चेक फॉर शियर इज ऑलवेज, मतलब कभी भी स्लैब शियर में फेल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम चेक के लिए प्रोवाइड कर देते हैं कि चेक हम प्रूफ करके दिखाते हैं. तो नॉमिनल शियर दैट इज टाउ वी लेस देन इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई द टाउ सी. ठीक है, टाउ सी की वैल्यू हमने देखी थी, कोड में डायरेक्ट दी होती है, के की वैल्यू दी होती है, उससे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे. टाउ वी हमेशा लेस होना चाहिए, लेस है तो इट इज गुड. ठीक है, मतलब क्लियर है. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन फॉर एएसटी. एएसटी निकालेंगे. एएसटी इज फॉर्मूला डायरेक्ट 0.5 एफसीके बाय एफवाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एमयू बाय एफसीके बीडी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीडी. ठीक है, अब एएसटी मिनिमम और मैक्सिमम मैक्सिमम भी चेक करना है. एएसटी से हमारा एएसटी मैक्सिमम बड़ा होना चाहिए और एएसटी मिनिमम छोटा होना चाहिए. ठीक है, ये दोनों चेक करने हैं. नेक्स्ट यू हैव टू चूज द डाया. मैंने बताया था डाया कैसे निकालते हैं और स्पेसिंग कैसे निकालते हैं. स्पेसिंग ऑफ द मेन रिइंफोर्समेंट विल बी द एरिया ऑफ द जितना स्टील हमने यूज किया डिवाइड बाई द एएसटी मल्टीप्लाइड बाई 1000. तो हमारा स्पेसिंग निकल जाएगा. स्पेसिंग हमेशा हमेशा लेस देन 3D होना चाहिए. इफेक्टिव डेप्थ का 3 times होना चाहिए. आपको आवाज आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ा तेज बोलो. थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है हर्षिता सर? अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, अब क्लियर आ रही है. बोलो, अब बोलो हर्षिता, आ रही है? मैं वो पूछ रही थी ये टाउ वी और टाउ सी क्या था. टाउ वी इज नॉमिनल शियर. ठीक है, अभी अभी मैं वैल्यू निकालूंगा, कोड में दिया हुआ है. ठीक है, सारी चीजें कोड तो उठाते नहीं हो आप लोग.
ठीक है, दिस इज नॉमिनल शियर, ठीक है, टाउवी इज नॉमिनल शियर, और टाउसी जो हमने कॉन्क्रीट यूज किया है ना उसके अंदर शियर कितना आ रहा है। अभी मैं देखो दिखाता हूँ, अभी टेबल में दिया हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है, तो इसमें ज्यादा वो नहीं करना। नॉमिनल शियर और हमारा दैट इज द शियर फॉर, अभी मैं वैल्यू भी बता देता हूँ ना सारी चीजें, अभी आते हैं, रुक जाओ न्यूमेरिकल पे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और कुछ अभी तक जो नहीं आया, थोड़ा तेज बोलो, अभी जैसे बोली ना तेज तो अब आवाज आई, नहीं सर वही था बस बीच में। ठीक है, अभी अभी आते हैं न्यूमेरिकल पे तो मैं दिखा देता हूँ ना। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, उसकी भी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, अलग अलग वो बताया था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बस स्पेसिंग होगी लेस देन 5D होनी चाहिए, 450 mm से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट लेंथ, मैंने बताया था कि जब हम स्टील प्रोवाइड करेंगे तो उसको कुछ बाद चल के हम उसको बेंड करेंगे, ठीक है, तो वो बेंड कितने पे होना चाहिए वहां से हम डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1.3 m1/v प्लस एल नॉट। देखो सारे फॉर्मूले हैं डिजाइन में ना, सारे फॉर्मूले होते हैं, कल वैसे भी सर ने डिजाइन के बारे में सब कुछ बताया था, ठीक है, तो डिजाइन देखो थोड़ा सा डिफरेंट है आर्किटेक्ट का और एक स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर का डिजाइन फिक्स है, ठीक है, वो IS कोड को ही रिफर करके बनाएगा, तो उसके पास सारे फॉर्मूले फिक्स हैं, ठीक है, जबकि इन आर्किटेक्ट आपको खुद से सोचना है नई नई चीजें, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिजाइन में आपके पास, देखो यही न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, इसमें हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं शियर पे, है ना, ये सब सारी चीजें कर चुके थे, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री हो गए था, ठीक है, हम लोग आ जाते हैं चेक फॉर शियर पे डायरेक्ट, ठीक है, LX निकल गया, LEFFECTIVE निकल गया, मोमेंट कैलकुलेशन हो गया, DB निकल गया हमारा, नाउ कमिंग टू द सॉरी ये ST निकाल लिया, AST के बाद AST मिनिमम निकाल लिया, चेक फॉर शियर नहीं किया गया, मिनिमम रेनफोर्समेंट निकाल लिया, ये यहां से आ जाते हैं चेक फॉर शियर। यहाँ का पिछली बार भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि देखो सपोर्ट से डी डिस्टेंस, ठीक है, जो मैक्सिमम शियर फेलियर होगा ना, वैसे तो सपोर्ट पे आता है, जब आप सिंपली सपोर्टेड पढ़ा होगा तो मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है, तो सपोर्ट पे तो ऑलरेडी हम कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्लैब के सपोर्ट पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉलम ऑलरेडी प्रोवाइड हो रहा है तो वहां फेलियर के चांसेस नहीं होंगे। फेलियर के चांसेस कहाँ होंगे, डी डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है, डी डिस्टेंस में, जैसे यहाँ पे ना ये रेक्टेंगल बनेगा, देखो इसका अगर SFD याद हो आपको, तो ये लाइन जाती है और यहाँ पे जीरो जाएगा, मतलब सेंटर से ये जाएगी लाइन और इस तरीके का बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम फेलियर देखो सपोर्ट पे तो कॉलम है वहां नहीं होगा, तो डी डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट पे फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, तो शियर फोर्स हम डी डिस्टेंस पे निकालते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज हम यहाँ पे शियर फोर्स निकाल रहे हैं, अल्टीमेट शियर फोर्स, ठीक है, तो अल्टीमेट शियर फोर्स यहाँ पे कितना आएगा, WL/2 माइनस W मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है, ये आएगा, तो इनकी वैल्यू सबकी पता है, तो वी विल हैव द अल्टीमेट फोर्स, और यू कैन से दैट दिस इज अल्टीमेट फोर्स इज 2 जितना भी आया, तो अब टाउ भी निकालना है, दैट इज नोन एज नॉमिनल शियर फोर्स, ठीक है, नॉमिनल शियर फोर्स क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, यही होता है ना, शियर फोर्स क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स हमने निकाल दिया, वी यू डिवाइड बाई बी डी कर दिया, तो यू विल गेट द टाउ भी आ गया, ये क्लियर है हर्षिता, है ना, शियर फोर्स आ गया, अब कुछ नहीं, अब हमें कोड उठाना है, कोड में सारी चीज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अब आता है टाउसी, ठीक है, ये इतना हमारा होना चाहिए, इतना मतलब हमने सॉल्व करने पे आया कि हमारे स्ट्रक्चर में हमारा जो स्लैब डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए शियर फोर्स इतना आएगा, लेकिन हमारा जो होता है परसेंटेज ऑफ स्टील हमने कितना प्रोवाइड किया उसके आधार पे एक टाउसी आता है, ठीक है, तो ये टाउवी हमेशा हमारा टाउसी मल्टीप्लाइड बाई के से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो वही हम चेक कर रहे हैं, तो टाउसी विल डिपेंड ऑन द परसेंटेज स्टील, दैट विल बी 100 AST into BD, तो यहां से हमने निकाल लिया हमारा कितना आ गया टाउसी, टाउसी की भी कुछ वैल्यू आएगी, एक मिनट, चलिए यहाँ तो हो गया था, इसी टाउसी को कहते हैं परसेंटेज टेंसाइल स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है हमारा, है ना, टाउवी तक क्लियर था, ठीक है, नाउ कमिंग टू द टाउसी, टाउसी निकलता है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ स्टील, 100 AST into BD कितनी वैल्यू आ गई, 0.264, ठीक है, तो अब टाउसी की हमारी वैल्यू आ गई है 0.264, एक मिनट, 0.37, चलो 0.264, अब हमारे पास जो कोड दिया हुआ है ना, कोड में 0.25 की वैल्यू ये थी और 0.50 की, उसके बीच में हमारा कहीं आ रहा है 0.264, ठीक है हर्षिता, यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है,
हमारा 0.264 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बताया था इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन क्या होता है, अगर x1 है x2 है, अगर इसको x1 और x2 मान रहा हूँ, दिस इज y1 y2 और दिस इज x एंड दिस इज y, हमें निकालना क्या है, y निकालना है। तो y निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बाई द इंटरपोलेशन, क्या होगा, y2 माइनस y1, ठीक है, ध्यान रखना 0.49 माइनस 0.36 जो भी है, देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा दे रहा हूँ और नीचे वैल्यू देखते चलो, याद रखो y2 माइनस y1 ऊपर है, नीचे x2 माइनस x1, ये रहा नीचे है 0.50 माइनस पॉइंट। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास है, तो यहाँ पे हो जाएगा x x माइनस हमारा क्या हो जाएगा x1, ठीक है, x माइनस x1, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी किसकी, दिस माइनस दिस, तो जब y माइनस दिस होगा तो ये इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.36 प्लस में आ जाएगा। क्लियर हुआ मैंने जो बोला, फिर से बोलूं मैं फिर से बताइए एक बार। हाँ देखो, याद रखो स्लोप की इक्वेशन, स्लोप की इक्वेशन मैंने क्या बताई थी, y इक्वल टू mx, mx जो होता है स्लोप हमारा कैसे आता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये चीज क्लियर हुई यहां से। हाँ। सिर्फ इतने पार्ट को देखो, सिर्फ इतने पार्ट को देखो, दिस इज y2 माइनस y1, ये वाला पार्ट क्लियर है, नीचे है x2 माइनस x1, ये दोनों चीजें क्लियर है, और यहाँ पे क्या आएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे दिस माइनस दिस हो रहा है तो हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस माइनस दिस होना चाहिए, ठीक है, तो दिस माइनस दिस जो हो रहा है तो ये माइनस का ही, तो यहाँ पे प्लस बन के आ गया है, अभी भी आया नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखो इक्वेशन को खुद से लिख के देखोगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है अर्चिता। सर ये जैसे 0.49 माइनस 0.36 किया है, तो हम लोग ने इधर 0.5 माइनस 0.25 क्यों नहीं किया, फॉर्मूला वेरी गुड, ये समझ में आ गया, हाँ ये सही है, ये चीज नहीं समझ में आई क्यों किया, y2 माइनस y1 इनटू x2 माइनस x1 होता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और इनटू में क्या आ रहा था, हाँ अब बता रहा हूँ इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा जिसकी वैसे x माइनस x1 लिया है, तो यहाँ पे आएगा क्या y माइनस y1, ये चीज समझ में आ रही है, अच्छा हाँ समझ आया। तो y माइनस y1 जो था, y1 का इधर पार्ट आ गया, दैट विल बी योर दिस प्लस में हो गया, क्लियर, तो यहाँ से हमारी टाउ सी की वैल्यू आ गई 0.37, हाँ सर वो आ गई, लेकिन सर इन्होंने इससे पहले कैसे डिसाइड कर लिया था कि टाउ सी 0.37 आएगा, जैसे ये सॉल्व करने से पहले लिखा हुआ था वो, अरे वो सॉल्व करके किया था डायरेक्ट, आप देखो डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो, देखो अब मैं देखो सिंपल से बताता हूँ, ये देखो 0.25 से 0.264, ठीक है, लगभग कितना है इससे 0.01 पड़ रहा है, ठीक है, तो ये 0.36 था, लगभग कितना बढ़ेगा 0.01 बढ़ेगा, डायरेक्ट 0.37 लिख सकते हो, समझ में आया, इतनी माथा पर्ची से एग्जैक्ट वैल्यू निकालो या फिर डायरेक्ट आप कर दो, आया समझ में हर्षिता, मैंने क्या बोला 0.25 से कितना बड़ा है ये 0.26 लगभग, ठीक है, मतलब कितना बड़ा है 0.01, 0.01 इसमें ऐड कर दो डायरेक्ट 0.37, क्लियर, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट में इंटरपोलेशन से आता है, डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए तब जाके करोगे, ठीक है क्लियर, और इससे भी सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आएगी, क्लियर है हर्षिता। हाँ सर। चलो अब देख लो, ये उसका है कोड का दिया हुआ है, स्लैब डिजाइन फॉर द शियर स्ट्रेंथ, के जो निकलता है, के की वैल्यू दी हुई है अकॉर्डिंग टू द स्लैब की जो थिकनेस है, ठीक है, स्लैब की जो सॉरी कैपिटल डी है, दैट इज ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ के डिपेंड करता है के, तो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ कितनी आई थी उसके हिसाब से हम ले लेंगे, ओवरऑल डेप्थ शायद 200 थी, तो 200 की वजह से हमने के की वैल्यू ले ली 1.2, क्लियर, अब 1.2 से 3.37 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द टाउ सी, टाउ सी आ गया आपका 0.43, तो हमारा जो टाउ भी निकला था 0.14 इज ऑलवेज लेस देन 0.43, तो लेस है तो इट इज सेफ, हमेशा सेफ आएगा, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा शेयर में सेफ आता है, क्लियर, कोई दिक्कत सर? सर 175 आई थी शायद वैल्यू, कहाँ 175 क्या है, फिर से इफेक्टिव डेप्थ है शायद, ओवरऑल डेप्थ कितनी है, ओवरऑल डेप्थ 225 का स्लैब में वो दे रहे हो ना, अच्छा हाँ। आया समझ में हर्षिता, दैट इज ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी ना, देखें एक बार ऊपर इफेक्टिव डेप्थ कितनी आई,
अच्छा इस वाले में नहीं, दूसरी वाली स्लाइड में हुआ है, देखना है चेक करना है। नहीं सर देख लेंगे फिर बाद में देख लेंगे। रुक जाओ मैं अभी दिखा दूँ। D assumed is 175, ठीक है 175 लिया तो 25 का mm डाला तो capital D will be what? Capital D देखो वहाँ पे लिए होंगे, BD में वहाँ किए होंगे ना multiply step one में। दिख रहा है यहाँ पे BD की वैल्यू क्या ली है 0.2, ठीक है। अच्छा हाँ सर। ये 1000 मीटर और ये 0.2 मीटर और कितना हो गया 1000, हाँ ये ना 200 mm दिख रहा है, क्लियर है कैपिटल डी? हाँ सर। चलो अब आते हैं टाउ सी हमारा हो गया, टाउ सी नॉमिनल शियर में इस तरह डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ में भी दिक्कत थी क्या इसके बाद की? अब ये बताया था मैंने अल्टरनेट, हाँ चलो अब मैं बता दे रहा हूँ फटाफट से। इन केस ऑफ स्लैब अल्टरनेट बार्स आर बेंट अप टू द काउंटर एट नेगेटिव एंड द, मैंने बताया था नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है एंड हाफ ऑफ द टेंशन रिइंफोर्समेंट गोज इनटू द सपोर्ट, ठीक है। अब देखो जब सिंपली सपोर्टेड का केस था, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड केस में हम क्या कर रहे हैं अल्टरनेट बार्स को, अगर हम चाहें तो हर बार को भी बेंड कर सकते हैं लेकिन सारे बार को बेंड करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे अल्टरनेट बार्स को बेंड कर लेंगे, ठीक है। कितनी कितनी डिस्टेंस करेंगे 0.1L पे ले लेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। दीज अल्टरनेट बार्स आर द बेंट अप एट द डिस्टेंस ऑफ 0.1L फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, फेस ऑफ द सपोर्ट से 0.1L, ठीक है, जितनी लेंथ होगी इसका 0.1, ठीक है, इसको बेंट कर देंगे तो दिस इज नोन एज हमारी, अब ये हमने लेंथ प्रोवाइड कर दी। अब डेवलपमेंट लेंथ को भी चेक करना पड़ेगा कि जो हमने प्रोवाइड किया वो सही है या नहीं, तो उसके लिए फॉर्मूला था LD इज लेस देन इक्वल टू 1.3 M1V प्लस एल नॉट, तो यहाँ पे एल नॉट प्रोवाइडेड नहीं है तो M1 की वैल्यू निकालोगे, V की शियर फोर्स निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, सारी चीजें वही है, बेंडिंग मोमेंट निकाला वो निकाला, फिर डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला था हमारा 0.87 FY/5 4 tau BD, उसको निकाला फिर दोनों को चेक किया तो ये आया 6 कितना 6 27 mm। एक मिनट कम आ रहा है क्या? हाँ वी एम अपॉन वी की वैल्यू आई कितनी, सॉरी 402.97 आ रहा है, तो ये सारा वैल्यू का खेल है, फॉर्मूले रखो और वैल्यू प्रोवाइड कर दो तो हमारा हो जाएगा काम, ठीक है। अब आखिरी में जो देना होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये काम है, आपने सब कुछ लिया, जैसे बी में मैंने बताया था ना क्रॉस सेक्शन का डिजाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या क्या चीज आपने दी है, तो ये सबसे, अगर आपने ये बना दिया और बीच में कोई वैल्यू गलत भी है तो फिर देखो देखो सारी वैल्यू यहाँ पे ही है, ठीक है। मेन बार्स की डाया क्या है, ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्या प्रोवाइड किया आपने, मेन रेनफोर्समेंट का डाया क्या प्रोवाइड किया, कितनी स्पेसिंग दी है, देखो इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये जो ब्लू वाला जो जा रहा है ना दैट इज 10 mm एट द रेट 340 mm सेंटर टू सेंटर, ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार के जो डिस्टेंस निकाले थे ना यहाँ पे सारी चीजें डिटेल दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारा रेड कलर का दिख रहा है ये आपको दिखेगा नहीं, ये मतलब अंदर की तरफ स्टील गया हुआ है, ठीक है, इस तरह लंबे लंबे, ठीक है, दैट इज 8 mm 5 200 mm सेंटर टू सेंटर, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज 10 mm एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर, ये उसका पूरा है 0.1L के डिस्टेंस पे आपने क्या किया बेंट किया है, ठीक है, इस तरीके से बेंट किया तो ये पूरा हो गया, ये पूरा होता है, दिस इज द डिजाइन ऑफ द स्लैब। कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया, ये हो गया था ऊपर से वो प्लान और ये हो गया उसका, ये प्लान हो गया ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन था, प्लान में पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार ऐसे दिखेंगे, ठीक है, तो ये होता है पूरा स्लैब का डिजाइन। अब और भी क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चन है, अब क्वेश्चंस करने हैं आपको, जितने आप मैक्सिमम लगाओगे उतने आपका फायदा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बीम्स का लगाओ अलग अलग चीज का लगाओ तो आपके लिए फायदा है, तो दिस इज व्हाट अबाउट स्लैब। और कोई डाउट है फटाफट से पूछो, देखो फेस टू फेस पूछो,
तो आपको भी अच्छा लगेगा, मतलब समझ में आएगा। और कोई डाउट आ रहा है आरसीसी में, कोई सा भी टॉपिक में, डब्ल्यूएसएम में, लिमिट स्टेट मेथड में? मैं क्या चाह रहा था पता है? अब मैं चाह रहा था, अगर आप देखो स्लैब नहीं पूछते ना, तो मैंने आई वांट दैट कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देता, ठीक है? मैंने तो ये सोचा था, मैंने आपको लोगों को पहले भी बोला था कि मैं एक बार सिलेबस चाह रहा था पूरा पूरा रिवाइज करवाना, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग पढ़ चुके हो तभी आपको फायदा है, नहीं तो मैं इतनी तेजी से बताऊंगा कि सब ऊपर से जाएगा, ठीक है? नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक, ठीक है? सिलेबस उठा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट सिलेबस से आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज पढ़ा दी, क्या क्या चीज, वैसे तो मैंने सब चीज कंप्लीट कर दी है, ठीक है? आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, द प्लेन रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट इंट्रोडक्शन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्क्रीट एंड टेस्ट। कुछ डाउट हो तो अभी फटाफट से पूछो। देखो अंकिता हर्षिता, देखो डरने की बात नहीं है, मैंने आपको बोला है जो भी चीज आप पूछोगे मैं रिपीट करूंगा, ठीक है? तब भी मैं एक बार सिलेबस रिपीट करवा दे रहा हूँ, सिलेबस में क्या क्या चीज मैंने करवाई है, ठीक है? सबसे पहला टॉपिक था प्लेन एंड द रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, पूरा बताया व्हाट इज आरसीसी, ठीक है? क्या होता है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्क्रीट, पूरा बताया कॉन्क्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एंड व्हाट आर द वेरियस टेस्ट, ठीक है? कॉन्क्रीट पे हम कंप्रेसिव टेस्ट करते थे, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स बनते हैं अलग अलग, ठीक है, उनपे कंप्रेसिव टेस्ट होता है प्रॉपर सीटीएम मशीन से होता है, ठीक है? तो ये दीज आर द टेस्ट, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आई एम कमिंग टू रेनफोर्सिंग स्टील रिक्वायरमेंट्स। रेनफोर्सिंग स्टील रिक्वायरमेंट में मैंने बहुत सारे स्टील बताए, एचवाईएसडी बताया, सीटीडी बताया, ठीक है, एचवाईएसडी बताया आप लोग को, और भी ये ट्विस्टेड बार्स के बारे में बताया है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक था रेनफोर्सिंग स्टील रिक्वायरमेंट्स ऑफ, देखो मैं सिलेबस लेके बैठा हूँ, ऑफ गवर्निंग एंड द डिटेलिंग। तो डिटेलिंग में क्या आएगा, एचवाईएसडी का जो बार है उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है? दैट इज FI 415 एंड FI 500, ठीक है? ये स्टील की गवर्निंग मतलब डिटेलिंग है उसकी, ठीक है? नेक्स्ट इज IS कोड 456-2000, मैंने बताया है पूरा कोड एक बार पढ़ना है, कोड में क्या क्या चीजें हैं, जैसे डिजाइन ऑफ बीम पढ़ लेना है, डिजाइन ऑफ स्लैब पढ़ लेना है, बेसिक कॉन्क्रीट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज होती है, कैसे ये चीज होती है, ठीक है? दिस इज अनदर टॉपिक। नेक्स्ट इज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, मैंने ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अच्छे से बताया, कहाँ से M5, M7.5, M10, हमारा M15, M20, M25, M30, सबका याद करने का तरीका बताया, रेशियो क्या होता है, 1, 5, 10, 1, 4, 8, 1, 3, ऐसे पूरे वो बता रखे हैं क्या क्या रेशियो होते हैं, क्या क्या चीज होती है, कैसे होते हैं, दीज आर द ग्रेड्स ऑफ द कॉन्क्रीट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन मेथड, वर्किंग स्ट्रेस एंड द लिमिट स्टेट मेथड, बहुत डिटेल में हमने पढ़ रखा है, व्हाट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, व्हाट इज लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है? इनका थोड़ा सा डिफरेंस आप चाहोगे तो एक बार पीपीटी के थ्रू मैं पूरा रिवाइज करवा दूं, ठीक है? नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट सेक्शन फॉर बेंडिंग एंड शियर, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था बीम, हमारी बीम में जो भी चीज होती है, बीम में क्या होता है, हमारे बेंडिंग के कारण लोड हम चेक करते हैं कि बेंडिंग के कारण जो लोड आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट के लिए हम डिजाइन करते थे ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेके हम डिजाइन कर देते थे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, उसके लिए हम लोग डिजाइन करते थे, ठीक है? तो दिस इज वॉट द डिजाइन मेथड अकॉर्डिंग टू द बेंडिंग एंड द शियर, ठीक है? नेक्स्ट इज हमारा अभी अभी हमने पढ़ा डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट जो टॉपिक था बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वही डिसाइड करता है कि कितनी अच्छी, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आप दो मटेरियल यूज कर रहे हो, स्टील यूज कर रहे हो इन द कॉन्क्रीट, तो जब आप स्टील को कॉन्क्रीट में यूज करोगे देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द बॉन्ड, जो मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना अच्छा वो हमारा क्या करेगा, उतनी अच्छी वो स्टेबिलिटी देगा, ठीक है? अगर वो बॉन्ड ही अच्छा नहीं है तो उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, मतलब हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेक करनी पड़ती है, जो टाऊ बीडी से हम लोग चेक करते थे, ठीक है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेक होती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट लेंथ, जो कि हम लोग स्लैब में मैक्सिमम चेक करते हैं, जो अभी हमने स्लैब की लेंथ निकाली थी, डेवलपमेंट लेंथ हमारा कितना आया, ठीक है? नेक्स्ट वी आर कमिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, डेवलपमेंट लेंथ हो गया, नेक्स्ट इज लिमिट स्टेट, ठीक है? जिसे कहते हैं इलास्टिक थ्योरी ऑफ आरसीसी, ठीक है? इलास्टिक थ्योरी ऑफ आरसीसी, या हमारा जो शियर फोर्स, लिमिट स्टेट, हमारा इलास्टिक थ्योरी ऑफ आरसीसी। तो हमने पढ़ा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलास्टिक थ्योरी। इलास्टिक थ्योरी की हमने बात की थी ना वहाँ पे, कि हमारा जो एक डिसएडवांटेज था कि हम जो मान के चल रहे थे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कॉन्क्रीट इज इलास्टिक, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है? कुछ टाइम बाद कॉन्क्रीट भी हमारा इट विल बिहेव लाइक प्लास्टिक, ठीक है? तो इसलिए हम लिमिट स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब लिमिट स्टेट मेथड पे आए, ठीक है? नेक्स्ट इज परमिसिबल स्ट्रेसेस, आपको बता रखे हैं कौन कौन से स्ट्रेसेस परमिसिबल है, ठीक है? जो कि हम लोग निकालते थे स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, ठीक है? सिग्मा सी की वैल्यू निकालते थे, सिग्मा एसटी की वैल्यू निकालते थे, तो दीज आर द परमिसिबल स्ट्रेसेस। नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ बीम, पूरा का पूरा डिजाइन हमने कर लिया, डिजाइन ऑफ बीम थ्योरी, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स्ड, एल एंड टी बीम, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर एंड कंटिन्यूअस। अब देखो इनका क्या है ना, एल एंड टी बीम हमने थोड़ा थोड़ा देखा, एल बीम कैसे होगा, टी बीम कौन होगा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कंसेप्ट में हम लोग नहीं गए, लेकिन हमने बीम का पूरा पूरा वो देख लिया, ठीक है? सिंगली और डबली भी हमने एक दो न्यूमेरिकल देखे थे,
ठीक है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ ओवर इन्फोर्स एंड अंडर इन्फोर्स सेक्शन एंड बैलेंस सेक्शन। अब आपको कंसेप्ट क्या, मैंने पूरा न्यूमेरिकल बताया अंडर इन्फोर्स ओवर इन्फोर्स और बैलेंस में, आपका सिर्फ कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। जैसा कि मैंने बताया था किसमें ब्रिटल फेलियर होगा, किसमें हमारा डायरेक्ट कोलैप्स होगा, ठीक है, किसमें डक्टाइल फेलियर होगा, डक्टाइल और ब्रिटल दोनों में अलग अलग है। अंडर इन्फोर्स के केस में हमारा क्या होता है, दैट इज डक्टाइल फेलियर, धीरे धीरे हमें इंडिकेशन देता है कि पहले स्टील क्रैक होगा उसके बाद फेलियर होगा। वेदर इन केस ऑफ ओवर इन्फोर्स के केस में क्या होता है, सडन फेलियर, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रिटल फेलियर। सडन जो होगा कॉन्क्रीट कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, वहां पे कॉन्क्रीट फेलियर बोला जाता है। दिस इज व्हाट द केस ऑफ ओवर इन्फोर्स, दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द ओवर इन्फोर्स सेक्शन, जब तक कि बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन ना आ जाए तब तक हम ओवर इन्फोर्स नहीं देते, वी प्रीफर डबली इन्फोर्स, उससे बेटर होता है, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ स्लैब क्लासिफिकेशन, कौन कौन से स्लैब के क्लासिफिकेशन होते हैं, लोड एस्टिमेशन। देखो लोड एस्टिमेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने फैक्टर्स देखे थे कि अलग अलग लोड्स आएंगे तो कैसे कैसे फैक्टर्स का चेंज होता था, वो IS कोड में पूरा वो दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ वन वे शियर, टू वे शियर, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्लैट स्लैब, कंटिन्यूस स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब, सबके हमने फिगर भी देखे थे इनके, है ना। नेक्स्ट इज डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिटेनिंग वॉल एंड द शेप रिटेनिंग वॉल, दिस इज व्हाट अबाउट योर सिलेबस, हमने रिटेनिंग वॉल भी देख लिया, ठीक है। इसके अपार्ट भी कोई डाउट है कुछ, मतलब कोई टॉपिक फिर से रिपीट करना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। टी शेप रिटेनिंग वॉल में क्या, वही हील और टो स्लैब के साथ जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं क्या क्या क्या, फिर से बोलो। रिटेनिंग वॉल, टी शेप रिटेनिंग वॉल, हाँ। देखो अब मैंने कौन सा रिटेनिंग वॉल पढ़ा है ये बताओ, मैंने रिटेनिंग वॉल पढ़ाया था ना अर्चिता, कौन से टाइप का पढ़ाया था सर, उसमें उस तरह से टाइप्स थे ना अलग अलग, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, हाँ वेरी गुड। सारे सबका शेप कैसा था, रिटेनिंग वॉल का शेप कैसा था? हाँ सर वही मैं पूछ रही थी कि उसी को टी शेप कहते हैं, वो स्टेम हील और टो के साथ वो टी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब इसीलिए तो देखो ये डाउट हो जाता है ना, एक बार यहाँ क्लियर कर दूं मैं। तो भी हम रिटेनिंग वॉल बनाएंगे ना, आपने फाउंडेशन देखा, फाउंडेशन का शेप मुझे फटाफट से कोई बताएगा, फाउंडेशन का शेप कैसा होगा? देखो मैंने गूगल पे सिर्फ टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल डाला, ठीक है, एक मिनट मैं ये शेयर करूं, शेयर नहीं हो रही है ये। देखो ये चीज शो हो रही है, मैंने सिर्फ टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल डाला है, और याद है मैंने एक इमेज दिखाई थी आप लोग को, मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ इमेजेस दिखाई थी, यही कुछ इमेजेस थी, हाँ सर। तो रिटेनिंग वॉल जब भी बनेगा ना तो वो इसी शेप में बनेगा, कोई अलग से शेप नहीं आएगा, ठीक है। तो रिटेनिंग वॉल जो है दैट इज व्हाट, ये दिख रहा है, ठीक है। आप कभी भी किसी चीज को रिटेन करने के लिए जो वॉल बनाते हो ना, सिंपल से वॉल आपने खड़ी की तो उसका कुछ बेसमेंट तो बनाओगे, ऐसा तो है नहीं कि बेसमेंट नहीं बनाओगे उसका कुछ, तो दैट इज नोन एज टी शेप रिटेनिंग वॉल, उसको अलग से नाम दे दिया टी शेप, दैट इज व्हाट द रिटेनिंग वॉल, ठीक है, क्लियर है अर्चिता? और कोई डाउट फटाफट से, फटाफट अंकिता कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, कुछ भी अब तक RCC में कोई सा टॉपिक नहीं समझ में आया, अभी तो देखो थोड़ी सी पार्ट और करवाने थे, अभी तो बीम डिजाइन किया था, कॉलम डिजाइन भी मैं सोच रहा था, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पहले इतनी चीजें तो क्लियर हो जितना हमने पढ़ा, सिलेबस का एक भी पार्ट छूटा हो, जो चीज नहीं समझ में आई हो तो वी विल कवर इन द, मतलब एक बार फिर से कवर कर लेंगे, लेकिन आप टॉपिक बताओगे तब तो। अब जैसे हर्षिता ने कहा स्लैब, तो स्लैब से ही स्टार्ट किया, ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई और टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो उसी हिसाब से फिर वो किया जाए। सर डिजाइन ऑफ रिइंफोर्स सॉरी रिटेनिंग वॉल्स में क्या, थोड़ा सा तेज आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज, हल्का सा सर, वो आपका डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स में क्या होगा? अब डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल, अब देखो डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल ही पूरा बहुत है, बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टेप्स देख लो, जितना मैंने बताया ना उतना कर लो, दैट इज सफिशियंट मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ पे कई जगह मेंशन किया हुआ है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अब रिटेनिंग वॉल को बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं करना है, क्योंकि डिजाइन फिर जाओगे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे मैं डिजाइन पढ़ा दूंगा,
पूरा एक 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 दो एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फुटिंग्स आपने पढ़ा था ना, याद करो फुटिंग क्या मतलब, फुटिंग ही है रिटेनिंग वॉल वैसे तो, ठीक है, तो उन्हीं के स्टेप्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो मैं डिजाइन करवा दूंगा, एक क्लास उसकी ले लेंगे डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल की। लेकिन पहले मतलब बेसिक तो क्लियर हो रिटेनिंग वॉल होता क्या है, उसके बाद फिर क्योंकि देखो अब स्टेम तो पूरा पूरा डिजाइन होगा, ठीक है, पूरा एक एक चीज का वो होगा, तो वही कम से कम 1 घंटे का पूरा डिजाइन है, तो अब इतना डिटेल में मेरे हिसाब से नहीं जाना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए व्हाट इज दिस। और मतलब देखो डिजाइन का मतलब ये नहीं होता, आप देखो कल सर ने जो समझाया ना डिजाइन, आपको समझना चाहिए दैट इज नॉट कि आप न्यूमेरिकली हर चीज सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाओ, क्योंकि देखो अब न्यूमेरिकली आप सॉल्व करने लग जाओगे ना तो 2-3 घंटा लग जाएगा सिर्फ रिटेनिंग वॉल के डिजाइन में, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, अब इतना भी ज्यादा मत कर लो कि भैया हमको समझ ही ना आए सारी चीजें, तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो रिटेनिंग वॉल है क्या, ठीक है, उसके बारे में जितना मैंने पढ़ाया उतना दैट इज सफिशियंट फॉर यू मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोग बोलोगे और डिटेल में करना है, पहले इतनी चीज तो कंप्लीट करो, क्लियर अंकिता, ठीक है। हाँ, बाकी अगर आपको करना है डिजाइन में करवा दूंगा, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए तो मेरा स्ट्रक्चर का पार्ट है, कोई वो है ही नहीं। और कुछ चलो फिर आज के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो ग्रुप पे डाल दो, ठीक है, कोई भी डाउट होता है कुछ भी कहीं नहीं समझ में आता है तुरंत उसका स्नैपशॉट लिया तुरंत डाल दिया, ठीक है, क्लियर। चलो स्टे हेल्दी स्टे सेफ। हाँ सर।